क्या आप भारत के इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं? आज हम आपको ले चलेंगे बिहार की एक अनोखी यात्रा पर, एक ऐसा राज्य जिसकी धरती पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है और संस्कृति का रंग बिखरता है। बिहार, जहां प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय ने शिक्षा की नई ऊंचाइयों को छुआ और बोध गया ने बुद्ध की ज्ञान की रोशनी को फैलाया। यहाँ के रंगीन त्योहार जैसे छठ पूजा और सहारण पूजा और यहाँ की स्थानीय भाषाओं की मिठास आपको मोहक अनुभव का एहसास कराएंगे। इस वीडियो में हम आपको बिहार के कुछ जगहों की यात्रा पर ले चलेंगे, ऐतिहासिक बोधगया से लेकर पौराणिक राजगीर तक और पटना की संस्कृति और जीवन की झलक तक। तो जुड़िए हमारे साथ इस यात्रा में और जानिए बिहार के उन अलग पहलुओं के बारे में जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें और यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बिहार पर अक्सर ध्यान राजनीति और डेवलपमेंट के मामले में पिछड़ेपन की खबरों को लेकर जाता है, लेकिन बिहार की अपनी काफी रिच और गौरवशाली हिस्ट्री रही है। बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक हिस्टोरिकल स्टेट है जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में वेस्ट बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से। 94,173 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला बिहार पॉपुलेशन के मामले में भारत का 12वां सबसे पॉपुलोस राज्य है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के साउथर्न हिस्से को अलग करके एक नया राज्य झारखंड बनाया गया था। आज हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको IIT और IAS का प्रोडक्शन हाउस भी कहा जाता है, जहां पर दुनिया का सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ था। यह स्टेट दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले स्थान में से एक है और इतिहास के सबसे महान राज्यों में से एक है। बौद्ध और जैन धर्मों का उदय बिहार में हुआ। गौतम बुद्ध और महावीर के फैलाए अहिंसा के सिद्धांत की शुरुआत भी यहीं हुई। इसके अलावा सिख धर्म की जड़ें भी बिहार से जुड़ी है। बिहार प्राचीन काल में मगध कहलाता था और इसकी राजधानी पटना का नाम पाटलिपुत्र था। माना जाता है कि बिहार शब्द का जन्म बौद्ध विहारों के विहार शब्द से हुई जो बाद में बिहार हो गया। आधुनिक समय में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि बिहार दुनिया के सबसे पुराने लिविंग प्लेस में से एक है। यह इतिहास में सबसे महान राज्यों में से एक था। अगर आप यहाँ पर हैं, तो भारत के समृद्ध इतिहास के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आप देश की सदियों पुरानी किंवदंतियों का पता लगा सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। दरअसल बिहार से जुड़ी वास्तविक जानकारी से अभी तक लोग अनजान हैं। तो चलिए आज हम आपको बिहार से जुड़े कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आपकी सोच भी बिहार के प्रति काफी हद तक बदल जाएगी। दोस्तों, बिहार ही वो राज्य है जिसने चाणक्य जैसा इकोनॉमिस्ट, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे राजा, बुद्ध महावीर जैसे संत, आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेरशाह जैसा शासक दुनिया को दिया था। बिहार भारत का एक स्टेट है। बिहार की राजधानी पटना शहर है। बिहार अपने ऐतिहासिक विरासत के लिए फेमस है। इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल है। गंगा नदी इसके भूभाग को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस देश की कुल पॉपुलेशन लगभग 10 करोड़ के आसपास है और आज लगभग 12.7 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और पॉपुलेशन के मामले में भारत का यह तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर या राज्य है। यह गंगा नदी के ऊपर बसा हुआ एक राज्य है। गंगा विष्णु पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। अगर इस राज्य की भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर प्रॉपर हिंदी, मैथिली और भोजपुरी बोली जाती है। इस स्टेट की सबसे पुरानी भाषा हिंदी और उर्दू है। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद जो डिग्री हासिल कर निकलते हैं वह सबसे ज्यादा इसी बिहार से निकलते हैं और दिमाग से बिहारी लोग बहुत ही तेज होते हैं और माना जाता है कि बिहारी की गणित बहुत ही ज्यादा तेज होती है।
इवन कि 1990 से पहले आईएएस अधिकारियों के मामले में बिहार पहले स्थान पर था, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट आने लगी। बिहार के लोगों का ध्यान अब आईटी सेक्टर में ज्यादा लगने लगा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोबारा से आईएएस की भूमिका देखने को मिल रही है। दोस्तों, शून्य के बिना गणित का क्या मोल है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्म स्थान बिहार ही है। यही कारण है कि बिहार के लोगों की गणित आज भी बहुत तेज होती है, वह गणित में बहुत ही माहिर होते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह सच है कि इतिहास के पन्नों में ही नहीं बल्कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ आईएएस की संख्या बहुत ज्यादा थी और बिहार के पटना शहर में वाईफाई का सबसे बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है, जो कि 20 किलोमीटर के दायरे में सबको फ्री वाईफाई प्रदान करता है। अमेरिका, जापान जैसे देशों में दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा पड़ोसी देश चीन भी इस मामले में सबसे पीछे रह गया है। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में स्थित है। यह मंदिर पवारा पहाड़ी के शिखर पर है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 600 फीट है। 1812 से लेकर 1904 तक ब्रिटिश ने इस मंदिर को बनवाया था और सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार में ही हुआ था। यहाँ पर पटना साहिब सिख इतिहास से जुड़ा एक प्राचीन स्थल है, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। बिहार का मुख्य त्योहार छठ पूजा है। यह अच्छे प्रकार से मनाया जाता है। यह पूजा छठ मैया और सूर्य भगवान को समर्पित है। यह पूजा 4 दिनों तक चलती है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखती हैं। छठ पूजा बिहार की संस्कृति और प्राचीन काल का स्थित है। लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा को बिहार का एक प्रसिद्ध व्यंजन माना जाता है और यह एक आटे का गोला होता है, जिसे जलते अलाव पर पकाया जाता है और मिट्टी के अंदर एक मसाला भी भरा जाता है। अगर चोखे की बात करें तो यह आलू, बैंगन, टमाटर को जलाकर बनाया जाता है। सबसे ज्यादा आसान बनाने वाले व्यंजनों में से एक है। बिहार के अलावा लिट्टी चोखा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी बड़े फेमस हैं। दोस्तों, नालंदा पुस्तकालय इस देश में ईरान, कोरिया, चीन के लोगों को अट्रैक्ट करती थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक है, लेकिन तुर्की के शासक ने इस लाइब्रेरी में आग लगा दी थी। ऐसा माना जाता है कि यह लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि तकरीबन 3 महीने तक यह जलती ही रही थी। महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। यह मंदिर बुद्ध का मंदिर है और यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर बिहार से तकरीबन 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या आपको पता है कि मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बिहार के रहने वाले थे? उन्होंने मॉरिशस की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनका नाम शिवसागर राम गुलाम था। भारत का सबसे सुंदर दूसरा रेलवे स्टेशन मधुबनी है। यहाँ पर 7000 हेक्टेयर्स में बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। बिहार के ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं और बिहार के मजदूरों को बाकी राज्यों के मजदूरों से ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि बिहार के मजदूर बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिहार के जिले में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मौजूद है और जानवरों का मेला सबसे बड़ा बिहार में ही लगता है, और साथ ही भारत का सबसे बड़ा बाजार बिहार में ही लगता है, जिसे हम सराय के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में लिट्टी पूरी बहुत ही फेमस है, इसलिए मुजफ्फरपुर को स्वीटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं है और MS धोनी एक क्रिकेट कलाकार है जिनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था, और MS धोनी को आज लोग दुनिया में अच्छे क्रिकेटरों में जानते हैं। दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला बिहार में ही स्थित है। यहाँ पर पहले विदेश से भी लोग आया करते थे। बिहार का विकास 4 पॉइंट कुछ ही है और यह इस तरफ इशारा करता है कि बिहार ज्यादा तरक्की नहीं पकड़ पाया है। दोस्तों, बिहार में अपनी छुट्टी को मनाने और घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। चलिए देखते हैं बिहार के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले है नालंदा। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा में ही है। यहाँ घूमने के लिए बहुत चीज स्थित है और यह कहा जाता है कि यह बहुत पुराना है। और नेक्स्ट है पटना। गंगा के दक्षिणी हिस्से में बना यह शहर पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने वाला यह शहर दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। पटना स्थित भक्तों के लिए सबसे बढ़िया जगह है, क्योंकि इसे अंतिम सिख गुरु श्री
श्री गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल कहा जाता है, शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी का ऐतिहासिक मकबरा गया में स्थित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।